हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का 8 6 सभी पर। आज हम लोग पढ़ेंगे 2.1। पिछले वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आज उसके आगे स्टार्ट करते हैं 2.2। एनसीईआरटी की ही बुक पढ़ रहे हैं हम लोग, क्लास 10। देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको, उसी के आगे यदि अल्फा और बीटा दो मूल हैं और इनका योगफल और गुणनफल दिया है, तो बहुपद या फिर द्विघात समीकरण कैसे बनाना है। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये है। और यदि हमें समीकरण दे दे और अल्फा बीटा पूछेगा, तो उसके संबंध में बताया गया है दो तरीके। सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें दिया हुआ है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एक, और क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि शून्यकों को ज्ञात कीजिए और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले इसे हम हल करेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा, और वहां से निकालेंगे अल्फा और बीटा का मान। यहाँ माइनस एट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि जो भी लाना है घटाते हुए लेके आना है। तो माइनस एट को घटाते हुए कितना लाना है, दो। तो एट का को फैक्टर कर लेते हैं हम लोग, गुणनखंड दो से चार बार में, दो से दो बार में, दो से एक बार में, तो यानी ये तीन मिल गया हमें। इसे में आपको फेर बदल करके घटाते हुए दो लेके आना है। तो ये दो दूनी चार, चार में से दो घटाएंगे तो दो हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर चार एक्स दो एक्स। अब देखिए, जो यहाँ है वही बड़ी संख्या का चिन्ह रखेंगे, तो बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस और छोटे का प्लस, ताकि घटने के बाद से क्या आ जाए, माइनस आ जाए। यदि यही चीज उल्टा कर देते, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस लिख देते, तो प्लस टू एक्स हो जाता, जबकि प्लस टू एक्स तो है नहीं, माइनस टू एक्स है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, बड़े का नंबर माइनस में और छोटे का प्लस में, ताकि घट जाए और घटने के बाद से माइनस चिन्ह उतर जाए और आगे वाला वैसे उतार लेंगे माइनस एट। अब देखिए, आगे से दोनों जगह से कॉमन क्या है, तो x है, कॉमन अधिक से अधिक लेते हैं, तो इन दोनों में कॉमन क्या बन रहा है, x बन रहा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, x, और यहाँ x निकल गया तो क्या बचेगा, 4। यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो 2 और 8 में 2 कॉमन, तो यहाँ 2 कॉमन, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 4। दोनों जगह x माइनस 4 दिख रहा है, तो x माइनस 4 कॉमन, तो यहाँ बचा x और यहाँ बच गया प्लस 2। ये हो गया, एक बार इसको 0 के बराबर, एक बार इसको 0 के बराबर। तो यदि x माइनस 4 बराबर 0, तो हम लोग कह सकते हैं कि x का मान, ये माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये पहला मिल गया। दोबारा से करेंगे, यदि x प्लस 2 बराबर 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का मान प्लस 2 है, उधर जाएगा तो माइनस 2। अब तो हम लोग कह सकते हैं कि x के दो मान आ गए, x बराबर 4 और माइनस 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन में पहले ही लिखा था शून्यकों को ज्ञात कीजिए, शून्यक हमारे क्या क्या हो गए, 4 और माइनस 2। अब कह रहा है सत्यता की जांच कीजिए, तो सत्यता की जांच के लिए यहाँ जांच लिखेंगे। सबसे पहले जो आया है आंसर, वही पहला अल्फा होगा, फिर बाद में बीटा होगा। किसी को भी, इन दोनों में किसी को भी अल्फा और बीटा माना जा सकता है, जो आपकी इच्छा करे। तो पहला हम मान लेते हैं अल्फा 4 है और बीटा माइनस 2 है, ये हो गया अल्फा और बीटा। सबसे फर्स्ट कंडीशन, मूलों का योगफल, अभी बताया हूं आपको, मूलों का योगफल होता है माइनस बी अपान ए, यानी माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो इसमें अल्फा का मान 4, बीटा का मान माइनस 2। अब देखिए, बी जो है, बी होता क्या है एक्चुअल में, तो यहां समीकरण देखिए, ये जो लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट, ये लिखा हुआ है, इसकी तुलना कर दो एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी से तुलना। यदि आप तुलना कर रहे होंगे तो पाएंगे कि ए का जो मान है, इसका गुणांक यहाँ पे एक है, कुछ नहीं होगा, तो ए। बी का मान देखो, यहाँ बी है तो यहाँ पे कितना है, माइनस टू, तो ये माइनस टू लिख देंगे। और सी का मान कितना है, यहाँ से माइनस एट, तो ये हो गए ए बी सी के मान। ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी क्या है, एक्स का गुणांक, और सी क्या है, अचर पद। तो यहाँ अचर पद के रूप में माइनस 8 है, एक्स का गुणांक माइनस 2 है, चिन्ह सहित रखना है। यदि प्लस में होगा तो प्लस में रखेंगे, माइनस में होगा तो माइनस में, और ए का मान क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, तो मतलब एक से गुणा है तो वो एक रखेंगे। अब यही वाला मान रखना है यहाँ पे, बी की जगह पे क्या लिखना है, यहाँ से माइनस 2, और ए की जगह पे क्या लिखना है, एक। तो देखो यहाँ 4 है, प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बटे में एक है तो छोड़ देंगे उसको, 4 में से 2 घटा तो 2, 2 बराबर 2। देखिए दोनों पक्ष बराबर आ गया, यानी कि मूलों का योगफल सिद्ध हो गया। तो ये प्रूफ, दो कंडीशन इसमें प्रूफ करना है, एक मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल। सेकेंड नंबर, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो सी बाई
ए अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए, अचर पद और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अल्फा का मान क्या माना है हमको, 4, और बीटा का मान क्या माना गया है, -2। तो ये हो गया सी का जो मान है ये कितना है, -8, और ए का जो मान है वो 1 है, तो 4 × 8 -8, और 1 से भाग लगाएंगे वही आ जाना है। तो देखिए यहां भी दोनों बराबर होगा, तो ये हो गया सिद्ध। तो इस प्रकार सिद्ध करेंगे, सबसे पहले दिए गए समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा साफ करके x के मान निकाल लेने हैं, और वही x का मान क्या हो जाएगा, एक अल्फा हो जाएगा और एक बीटा हो जाएगा जांच करते समय, और वो शून्य होते हैं, और इस प्रकार जांच सकते हैं। इसको नोट डाउन करिए, जिसको शॉर्ट स्क्रीन लेना है शॉर्ट स्क्रीन ले, फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए सेकेंड नंबर, फर्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, 4s² - 4s + 1 ये दिया हुआ है। देखिए इसको करने के दो तरीके हैं, दो तरीकों से मैं बताता हूं। इसको क्या लिख लेते हैं, 2s² और 1 को 1 का होल स्क्वायर, और यहां माइनस लगा है तो -2 लिख देना है, प्लस लगा होगा तो +2, इंटू में फर्स्ट और इंटू में सेकेंड, कुल मिला के फार्मूला बना रहे हैं a² - 2ab + b² का, वैसा ही दिख रहा था सवाल। देखो 2s² 4s² 2 2 4 हो जाएगा, 2 2 4s और 1 का स्क्वायर a, तो इतना क्या होता है a² - 2ab + b², तो इसको हम कह सकते हैं a - b का होल स्क्वायर। a की जगह 2s लिखा हुआ है, b की जगह 1 लिखा हुआ है, तो a - b का होल स्क्वायर। तो अब हम लिखेंगे यदि 2s - 1 = 0, तो हम लोग कह सकते हैं s का जो मान होगा ये माइनस है उधर जाएगा तो प्लस में, ये गुणे में है तो भाग में, s का मान 1/2। देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, जितना पावर लगा होगा उतनी बार इसको लिखते हैं, इसलिए s का जो मान हो गया वो 1/2, दो पावर है तो 2 बार लिख देंगे इसी को, ये हो गया हमारा शून्य इतना। या फिर इसी सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे 4s² - 4s + 1 ऐसे लिखा हुआ है, तो 4 × 1 = 4 हो जाएगा, बाहर का बाहर गुणा कर देते हैं, तो हमें यहाँ प्लस लगा है जोड़ने पर 4 को, ऐसी दो संख्याएं जो जोड़ने पर 4 आ जाए और गुणा करने पर 2 आ जाए, तो यहाँ वही 2 × 4 = 2s और 2s। देखिए माइनस माइनस लिखेंगे तो जुड़ जाएगा, -4s, अब माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया। अब दोनों जगह से कॉमन क्या हो जाएगा, 2s, तो यहाँ होगा 2s और ये हो गया -1, यहां से कुछ कॉमन नहीं है, जब माइनस होगा तो माइनस कॉमन ले लेंगे 1 के साथ, तो ये प्लस हो जाएगा और ये वाला माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया 2s - 1 2s - 1, दोनों जगह से कॉमन, तो 2s - 1 कॉमन, तो यहां बच गया 2s और माइनस का 1, तो 2 बार आ गया है। तो इसी को दिखाएंगे, यदि 2s - 1 = 0 हो तो s का जो मान आ गया वो 1 उधर जाएगा तो प्लस में, ये गुणे में तो भाग में, तो देखिए इसी को लिख देना है, अतः यश के 2 मान होंगे 1/2 1/2, ठीक रहा है, आप चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, ये हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। अब यहां से जांच करेंगे, जांच में सबसे पहले आपको बताया गया कि जो दिया गया समीकरण है उसको लिख लेना है, 4s² - 4s + 1, और इसकी तुलना करना है ax² + bx + c से तुलना, इससे तुलना करने पर हम क्या पाएंगे कि a का जो मान है वो 4 दिख रहा है, a = 4, b का मान -4 और c का मान 1 हो जाएगा, ये हो गए a b c, a जो होता है x² का गुणांक, b जो है x का गुणांक और c अचर पद। अब जांच में दो जांच करना है, एक मूलों का योगफल और एक मूलों का गुणनफल, तो मूलों का योगफल होता है -b/a, मान रखते हैं इसमें अल्फा की जगह पे क्या लिखना है, यही वाला अल्फा होगा और यही वाला बीटा, तो अल्फा की जगह 1/2, बीटा की जगह 1/2, दोनों 1/2 हो जाएगा, और बी की जगह क्या लिखना है -4 और ए की जगह भी 4, ये हो गया 1/2 1/2, हर बराबर हो तो अंश को जोड़ देते हैं 1 और 1 2, तो 2/2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस कट गया तो +4/4, ये कट के 1 आ गया, ये कट के 1 आ गया, तो 1 = 1, ये सिद्ध हो गया, ऐसे सिद्ध करना है। ये हो गया मूलों का योगफल, उसके बाद से दूसरा नंबर मूलों का गुणनफल, ये होता है c/a, मतलब अचर पद बटा x² का गुणांक, अल्फा का मान यहाँ से वही अल्फा वही बीटा, मतलब 1/2 और गुणे 1/2, c का जो मान है वो 1 है और a का मान 4,
ऊपर का ऊपर गुणा एक एक कम एक और नीचे का नीचे, दो दुना चार, तो एक बटा चार दोनों बराबर होगा। तो इस प्रकार ये सिद्ध हो गया। एक बार आप आराम से समझिए इसको और शॉर्ट एक्सप्लेन लीजिए, फिर मैं जाता हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, अगली क्लास में आगे।